ठीक है, पीने का पानी है क्या इधर? अनाज है ना, अनाज वो रखने का पत्र था। अच्छा, ये अनाज रखने का था क्या? हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शाबाज और आप देख रहे हैं नोमैड शाबाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जाने वाला हूँ वीसापुर फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि लोकेटेड है लोनावला में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आना चाहते हो तो यू हैव टू गेट डाउन एट मलावली स्टेशन। मलावली स्टेशन से जो ये ट्रैक का स्टार्ट लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स। तो या तो आप वहाँ से ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो और एल्स यू कैन गो फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट येस, आने के टाइम पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन जाने के टाइम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है। वीसापुर ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे स्नैक्स और पानी के लिए। सो इतना ज़्यादा अगर आप स्नैक्स और वाटर कैरी नहीं कर रहे हो तो इधर वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हो ये वाटर टैंक है। यहाँ पे आप मोस्टली ज्यादा किला में देखोगे तो वाटर टैंक होता है वहाँ। तो यहाँ पे भी एक वाटर टैंक है, पीने का पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था, लेकिन अभी एज ऑफ ना ये पानी पीने लायक है नहीं। लास्ट टाइम मैंने वाटर टैंक देखा था, 3 वाटर टैंक देखा था सोंदाई फोर्ट में। अगर आपने मेरा सोंदाई फोर्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। ठीक है, पीने का पानी है क्या इधर? अनाज है ना, अनाज वो रखने का पत्र था। अच्छा, ये अनाज रखने का था क्या? तो नीचे वाटर टैंक भी है और इधर ग्रेन स्टोर करने का, खाने पीने का सामान स्टोर करने का ये पूरा एरिया अंदर। अभी मैं पीक में पहुंच गया हूँ। पीक में पहुंचने के लिए मुझे लगा अराउंड 1 घंटा, क्योंकि मैं ड्रोन शॉट्स भी ले रहा था और कैमरा व्लॉग करने के लिए बिजी था। अगर आप बिना कैमरे के आ रहे हो तो आप 45 मिनट्स में पहुँच जाओगे। छोटा ट्रैक है बट ये स्टार्टिंग से ही स्टीप स्लोप है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, ज़्यादा नहीं है। और अभी बारिश होने की वजह से पीछे पूरा फॉग हो गया है। पीक में आके मैंने सोचा था कि ड्रोन उड़ाऊंगा, बट पीक में पहुंचते पहुंचते वेदर पूरा ड्रेस्टिकली चेंज हो गया, पूरा तरह फॉग ही फॉग है चारों बाजू। तो ड्रोन उड़ाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस, अगर मौसम साफ हो गया मैं आधा घंटा इधर रहूँगा, अगर मौसम साफ हो गया तो मैं ड्रोन शॉट पक्का लूँगा। वीसापुर फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 17th century में स्टार्ट हुआ था, और इनिशियली इसका जो रूल था ये मराठा रूल के अंडर था। बाद में लेटर डाउन द लाइन 18th century में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में आ गया था। आफ्टर दैट ये ब्रिटिश इंडिया के रूल में आ गया था, और ऑब्वियसली 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडिया के अंदर आ गया। अभी जो मैं व्यू देख रहा हूँ ना, इसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि ये पूरा फॉग है। तो ये आँखों के जो लेंस देख रहे हैं ना, ये गोप्रो के लेंस देख नहीं पाएंगे। स्टिल मैं कोशिश करता हूँ आपको ये ब्यूटी दिखाने का। नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये स्नैक्स कॉर्नर है। यहाँ से ना पूरा फॉग है ना, ऐसा मूव होते होते जा रहा है, और पूरा एरिया ना अभी फॉग के अंदर है। लेकिन अगर ये बारिश गया और थोड़ा तेज़ हवा चलेगा तो फॉग क्लियर हो जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ड्रोन उड़ाना।
मुझे लगभग हो गए 45 मिनट्स वेदर क्लियर होने का, मैं वेट कर रहा हूँ बट वेदर क्लियर हो नहीं रहा है। और अभी मैंने ड्रोन उड़ाने के लिए ट्राई किया, जो आपने फुटेज देखा है तो उसमें ना वो हवे पे होवर कर रहा है लेकिन, और स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग आ रहा है तो कंटिन्यूसली बीप कर रहा है ड्रोन। तो आप इसी ड्रोन से आप एडजस्ट कर लो आज के लिए। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस। अंटिल देन दिस इज शाबाज खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।